नमस्कार, बहुत स्वागत आपके साथ, मैं हूं ललित प्रजापति। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से पर्चा भर दिया है। काशी के द्वार से बीजेपी का मिशन 400 पार का नारा पूरा होगा। उधर मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं, अब नजर नतीजों पर है। जब ईवीएम खुलेगी तो किसकी किस्मत चमकेगी, नतीजों से पहले हम आपको समझाएंगे हार और जीत का क्या क्या संभावित समीकरण होगा। बीते चुनाव के साथ साथ 2024 के चुनाव का सटीक विश्लेषण भी हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात उस सीट की होगी जिस पर पूरे देश की और या कहें कि दुनिया की निगाहें लगातार बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से नामांकन दाखिल किया है। प्रधानमंत्री वाराणसी से तीसरी बार चुनाव मैदान में है और उनके सामने कांग्रेस और गठबंधन ने अजय राय को उतारा है। इससे पहले 2019 में पीएम मोदी के सामने समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा था, करारी हार का सामना करना पड़ा। अगर 2014 के चुनाव की बात कर लें तो अरविंद केजरीवाल पीएम के सामने वाराणसी से चुनाव मैदान में उतरे थे, उन्हें भी बड़ी हार झेलनी पड़ी। कुल मिलाकर वाराणसी से पीएम मोदी के चुनाव लड़ने के बाद से यहां लगातार बीजेपी के वोट परसेंटेज में इजाफा देखने को मिला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर भी इस सीट से जीत चुके हैं। तब की बात अलग थी और अब जो सियासी समीकरण है वो अलग अलग हो चले हैं। बहुत तब्दीलियां इन सबके बीच आई हैं। अब आपको वाराणसी का सियासी गणित पूरी तरह से समझा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए, ये आपको समझ लेना बहुत जरूरी है और हॉट सीट आप इसे कह सकते हैं। वाराणसी लोकसभा 2004 की बात कर ली जाए, 42% से ज्यादा मतदान। 2009 में 42% से ज्यादा मतदान, 2014 में 58% से ज्यादा मतदान, लेकिन 2019 में 57% से ज्यादा यहां पर वोटिंग हुई है। ये वाराणसी सीट का जो वोटिंग परसेंटेज है वो हम आपको बता रहे हैं। इस बार अगर पूरे चरण को देख लिया जाए, अब जरा पहले किस तरीके से जीत का मार्जिन रहा उसे समझ लीजिए। 2004 में 57,000 जीत का मार्जिन रहा, 2009 में 17,211, 2014 में ये मार्जिन बढ़ जाता है और 2019 में तकरीबन 5,00,000 का ये जीत का मार्जिन रहता है। ये जीत का मार्जिन किस तरीके से है, वोटिंग परसेंटेज आपने देखा और जीत का मार्जिन जो आपने देखा वो हम आपको बता रहे हैं। वोट परसेंटेज और जीत का मार्जिन एक साथ स्क्रीन पर समझ लीजिए। 2009 में 42% से ज्यादा वोट पड़ता है, 17,000 जीत का मार्जिन। 2014 में 58% से ज्यादा वोटिंग, जीत का मार्जिन 3,00,000 से ऊपर, 3,17,000। इसके अलावा 2019 में 57% ही वोटिंग होती है लेकिन जो जीत का मार्जिन है वो 4,79,000 पहुंच जाता है, तकरीबन 5,00,000 आप इसे कह सकते हैं। ये स्थितियां हैं वाराणसी लोकसभा, वोट परसेंटेज और जीत का मार्जिन एक स्क्रीन पर आपके सामने किस तरीके से रहा। अब वोट शेयर की बात कर ली जाए, 2009 में बीजेपी के पास 30% से ज्यादा वोट और जो अंतर रहा पार्टियों के साथ वो 2% का अंतर रहा। 2014 में जो बीजेपी के पास वोटिंग परसेंटेज रहा वो 56% से ऊपर पहुंच गया और आम आदमी पार्टी का हमने जिक्र किया, उन्हें 20% मिले, अंतर 36% का भारी भरकम ये अंतर था। 2019 की अगर बात कर ली जाए, 63% बीजेपी के खाते में जाते हैं, 18% साइकिल को मिलते हैं, सपा को मिलते हैं और अंतर 45% 36%। मार्जिन देखिए किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। वोट शेयर की हमने बात कर ली, परसेंटेज आपको बताया, वोटिंग परसेंटेज आपको बताया। अब मुकाबला इस बार का आप जान लीजिए, नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से, आज नॉमिनेशन फाइल उनका हुआ, अजय राय कांग्रेस की तरफ से। मध्य प्रदेश से एक ताल्लुक और भी है, मध्य प्रदेश के किसी दौर में बड़े पुलिस के अधिकारी रहे हैं मैथिली शरण गुप्त, वो भी भोपाल के अलावा इस एक सीट से चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। अब जमीन पर क्या हकीकत है, सीधा आपको वाराणसी लिए चलेंगे, सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनूप के पास हम आपको लिए चलेंगे और उनसे जानेंगे कि फिलहाल की स्थितियां वाराणसी में है क्या। कई सीट ऐसी हैं बीजेपी के खाते वाली या जो हॉट सीट जिसे आप कहते हैं, वहां इस बार चर्चा जीत की नहीं हो रही है, चर्चा लीड की हो रही है कि दरअसल लीड कितनी ज्यादा बढ़ती है। अनूप अभी थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे और फिर हम आपको वाराणसी लिए चलेंगे। अनूप आपको नजर आ रहे होंगे वाराणसी से। अनूप हम अभी समझा रहे थे, हमने इतिहास भी बताया, आज दिन भर नॉमिनेशन की चर्चाएं होती रहीं, लेकिन हमारा सवाल ये नहीं है। आज 5 बजे हम दर्शकों के लिए इस सवाल के साथ आए हैं कि ये सीट
मसला यहां जीत का नहीं है, मसला यहां लीड का है और वोटिंग परसेंटेज का है जो बंपर तरीके से लगातार बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। इन सब के बीच आप जब पहुंचे वहां तो क्या आप महसूस कर रहे हैं अनूप? देखिए ललित, आंकड़ों के जरिए आपने वाराणसी सीट का पूरा इतिहास बता दिया है, लेकिन आपको आज दो बातें मैं बताना चाहता हूं। नामांकन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में कार्यकर्ताओं से वो रूबरू हुए और उन्होंने साफ तौर से अपने कार्यकर्ताओं को टर्नआउट बढ़ाने का टारगेट दिया। सभी कार्यकर्ताओं को कहा कि टर्नआउट बढ़ाइए और साफ तौर से महिलाओं और जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बूथों में लाएं और उन्हें वोट कराएं। दूसरी बात, सभी कार्यकर्ताओं को ये टारगेट दिया कि हर बूथ पर 370 से ज़्यादा अधिक मत जो है इस बार पड़ने चाहिए, यानी कि जो मत प्रतिशत की बात किया जा रहा है लगातार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मत जो है वोटर परसेंटेज जो है इस बार के लोकसभा चुनाव में और ख़ासतौर पर वाराणसी सीट पर जरूर पड़े। दूसरी बात, जिस बात का जिक्र और हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसका कैलकुलेशन को समझने के लिए आपको 2014 में जाना होगा। 2013 में बीजेपी ने जो अभी के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था, चुनाव प्रभारी वो थे, और उस समय उन्होंने पूरी रणनीति तैयार की थी कि किस तरीके से पूरा जो उत्तर भारत है उसमें कैसे बीजेपी के प्रभाव और बीजेपी की पकड़ को बढ़ाया जाए, बीजेपी के वोट परसेंटेज को बढ़ाया जाए किस तरीके से, क्योंकि देखिए ये जो क्षेत्र है चाहे वो पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सभी का प्रभाव होता है और उसी के रणनीति के हिस्से के तौर पर उस समय नरेंद्र मोदी को वाराणसी सीट से उतारा गया और जिसका असर देखा गया कि न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरा पूर्वांचल का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र, उसमें बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली थी। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और 4 तारीख को भी जब हम मिलेंगे तो जो बातें अनूप आपके लिए डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें बहुत बारीक तरीके से उससे आगे के डिस्कशन पर हम चलेंगे। यही फायदा है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसका फायदा यही है कि 4 तारीख को आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर बातें समझ में आएंगी। ये बात हो गई प्रधानमंत्री मोदी की, अब बात करेंगे मध्यप्रदेश की। मध्यप्रदेश के लोकसभा चुनाव पूरे हो गए, पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार वोटिंग कम हुई है, ऐसे में सियासी गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं, राजनीतिक दलों में भी अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस कम वोटिंग को बीजेपी के खिलाफ बताती है और बीजेपी का दावा यह कि इस बार प्रदेश में क्लीन स्वीप होगा। खैर, दावे अपनी अपनी जगह है, लेकिन हकीकत, इतिहास, आंकड़े वो सिर्फ हम आपको बताएंगे, कोई राजनीतिक दल नहीं बताएगा। वो नतीजों में कैसे रिफ्लेक्ट होंगे उस पर भी हम बात करेंगे। नतीजों से पहले हम एक एक सीट का सियासी समीकरण समझाएंगे आपको, खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो वोटिंग हुई है उसका ट्रेंड आपको बता देते हैं, क्या कुछ वो वोटिंग ट्रेंड कह रहा है पहले वो आपको देख लेना चाहिए। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024, पहले चरण में 67% से ज्यादा वोटिंग, दूसरे चरण में 58%, तीसरे चरण में 66%, चौथे चरण में 70% से ज्यादा वोटिंग हुई। ऑन एन एवरेज अगर इसे आप निकाल लेंगे तो यह पहुंचता है 66% के आसपास। 4 चरणों में चुनाव हुए हैं, उसका पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, चौथे चरण में अगर देख लिया जाए 67, 58, 66, 70, 66% के तकरीबन यह वोटिंग हुई है। अब वोटिंग के परसेंटेज हमने बात कर ली, 4 चरणों में किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज रहा है इसे समझाएंगे हम आपको। हर सीट के साथ हमने आपको यह भी बताया कि किस तरह का पिछली बार का वोटिंग ट्रेंड रहा है। जब आपने एक एक, एक सीट करके समझा तब हमने आपको इतिहास बताया है कि किस तरीके से वोटिंग का जो ट्रेंड रहा है वो पिछले सालों में रहा है। ये तो सिर्फ 2024 का हम आपको बता रहे हैं कि 2024 में क्या स्थितियां थी। अब 2024 पहला चरण 67, 58, 66 और 70, यहां 66% पहुंच रहा है, हम किसे कह रहे हैं कि कम हुआ है। 2019 में देख लीजिए 75%, 67%, 66%, 74% कुल 71% जाता है। ठीक, अंतर कितना है, 7%, 8% से ऊपर, 0.13% और तकरीबन 4%, ये डिफरेंस है। जबकि वोटर बढ़े, फर्स्ट टाइम वोटर बढ़ा, संख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी और वोटिंग कम हुई।
इसे बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, यही हम आपको समझा रहे हैं। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव आपने देख लिया 2024 में कितना, 2019 में किस तरीके का रहा, और क्यों यह हुआ, यह जो तकरीबन 1-2% का डिफरेंस रहा यह क्यों रहा और कैसे इसे देखा जाए। अब हम चार को लेकर चर्चा करेंगे, नतीजों को लेकर सीधे चर्चा करेंगे। शरद जोशी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप जोशी वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। आज चार चरणों के हमने वो बताए हैं कि किस तरीके से चार चरणों में वोटिंग हुई, 2019 में किस तरीके की स्थितियां थी। शरद सर, पहले आपके पास में आना चाह रहा हूं। वोटर बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, फर्स्ट टाइम वोटर की संख्या बढ़ी, इन सब के बावजूद वोटिंग कम, 4 तारीख को क्या बहुत कुछ तब्दीलियां आप महसूस कर पा रहे हैं? जी, मतदान का प्रतिशत, एक तो लोगों को जैसे लगने लगा है कि मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, इसलिए कुछ लोग निकले भी नहीं कि जीतता तो ही तो वोट देके करना क्या है। हाँ। एक तो जनमानस में ये भावना बहुत गल कर गई है। दूसरा ये है कि एक तो मौसम भीषण गर्मी के बाद रतलाम क्षेत्र में भी कुछ पानी गिरे, ओले गिरे। हाँ। उससे भी मतदान प्रभावित हुआ, और बारिश के बाद जो समय रहा उसमें मतदान अच्छा गिरा, इससे थोड़ा प्रतिशत ठीक हुआ, नहीं तो उम्मीद ये थी कि 55-65% मतदान ही होगा। हाँ। लेकिन बाद में जो मौसम में थोड़ा सा बदलाव आया, ठंडक आई, उसके बाद घरों से लोग निकले और अच्छा मतदान हुआ, तब जाके संतोषप्रद मतदान कहा जा सकता है जी। लेकिन इस मतदान से कोई निर्णय निकालना इसलिए मुश्किल है क्योंकि पहले कहा जाता था कि अधिक मतदान सत्ता पक्ष के पक्ष में रहता है। हाँ। और कम मतदान जो है अपोजिशन के लिए घातक होता है और कहीं कहीं सत्ता पक्ष के लिए भी घातक होता है। हाँ। लेकिन इस मतदान के प्रतिशत से या कम मतदान या अधिक मतदान से ये निर्णय लगा लेना मुश्किल है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, क्योंकि जो मोदी लहर चल रही है, मोदी लहर में भाजपा को लाभ मिलेगा ये बिल्कुल तय है। ठीक, शायद ये भी हुआ, अब उम्मीदवार को मिलेगा जो उम्मीदवार जिनको कोई जी। वजह यह भी रही कि इस चुनाव को सांसदों ने नहीं लड़ा है, इसे प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। मोदी बनाम दिग्विजय की जंग की गई, मोदी बनाम कांतिलाल भूरिया की जंग कर दी गई, मोदी बनाम पार्टी की जंग कर दी गई, यह भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर रहा। मैं आऊंगा शरद सर आपके पास, प्रदीप जोशी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। 4 जून को यह तय है कि नतीजों के लिहाज से देखा जाए तो बहुत तब्दीलियां या जो प्रोडिक्शंस आ रहे हैं बहुत ज्यादा उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट चौंकाएंगे। प्रदीप सर प्लीज। जी ललित जी, प्रणाम। ये तो बात सर्वविदित है, अब जब वोटिंग परसेंटेज हमारे सामने आ गए हैं, आपने बताए भी हैं, और हमने भी जो मालवानी माल की सीटों के परसेंटेज निकाले थे, आपका कहना बिल्कुल सही है कि मतदाता बढ़े हैं और परसेंटेज घटाए हैं। परसेंटेज के लिहाज से हम बात करें 2019 और 2024 के बीच का, तो मालवा इंदौर में करीब 7-8% की कमी आई है और बाकी सीटों के ऊपर 2-4% का फर्क आया है। और इसमें एक बात हमको ये देखना पड़ेगी कि ये सभी सीटें जो हैं वो लंबे अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीती थी, तो कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं। एक सीट जो है हम बात कर लेते हैं, रतलाम झाबुआ सीट की, जहां पर मैं उस पर डिटेल में आऊंगा, संघर्ष का था, मैं उस पर डिटेल में आऊंगा। मैं आपको ये भी एक मैं क्वेश्चन ये भी चाह रहा था, 2019 दरअसल एक स्पार्किंग वाला था, बड़ा जज्बाती मुल्क है अपना, बहुत जज्बाती हो जाता है। 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक या जिस तरह का एक माहौल बना था उसने भी वोटर को पुश किया, वो बाहर आया। इस बार वैसा फैक्टर है नहीं, क्या आप इसे महसूस करते हैं प्रदीप सर, बहुत शॉर्ट में? हाँ जी बिल्कुल। और कम मतदान का एक दूसरा कारण ले लीजिए कि मैं बता दूं कि एक तो कोई बड़े मुद्दे यहाँ पर थे नहीं, कोई इलेक्शन का कोई बड़ा एक मुद्दा नहीं था कि कुछ होना है, या जो हो चुका उस बातों को दोहराया जा रहा था कि राम मंदिर बन चुका है, राष्ट्र के लिए मतदान करना है और हमें एक विश्व गुरु बनने के लिए मतदान करना, ये जो वो बातें हैं उन मुद्दों को उस पर हम ज्यादा रहा जो हमारे या तो चमकदार भविष्य पर थे,
या काले इतिहास की काउंटिंग में ज्यादा बिजी रहे, वो राजनीतिक दलों के हिसाब से अपने अपने हिसाब से। सर प्लीज आप दोनों बने रहे, अब हम थोड़ा सा सेंट्रिक होंगे रतलाम झाबुआ को लेकर। मध्य प्रदेश में इस बार वोटिंग कम हुई है, इसी का जिक्र हमारे दोनों मेहमानों ने किया और गहराई से इसको समझेंगे। दोनों के अपने अपने दावे हैं, रतलाम संसदीय सीट, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस का दबदबा, 2014 के बाद से यहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ा लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज में कमी आई। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस बढ़त बना सकती है, यह कयास है। आपको रतलाम संसदीय सीट का सबसे पहले पूरा ट्रेंड समझा देते हैं, हिस्ट्री समझा देते हैं, फिर जो दो खास मेहमान हैं उनसे हम फटाफट समझेंगे किस तरीके से स्थिति रही। 2009 में 50% से ज्यादा वोटिंग, 51% आप कह सकते हैं अपनी भाषा में, 2014 में 63% से ज्यादा वोटिंग, 2019 में 75% से ज्यादा वोटिंग, 2024 में 72% वोटिंग। वोटिंग कम हुई है 2019 के मुकाबले, आप देख सकते हैं। फिर भी एक वेव होती है जो पुश करती है, पर वोटर भी बढ़ा है। ये स्थितियां रतलाम लोकसभा सीट की किस तरीके से पिछले चुनाव में 2009, 2014, 2019 और इस साल यानी 2024 में कितना वोटिंग परसेंटेज रहा है रतलाम लोकसभा सीट का। अगला आंकड़ा भी हम आपको दिखाते हैं, मार्जिन समझ लीजिए। 2009 में 57,000 का मार्जिन कांग्रेस यहां पर आई, ठीक। 2014 में 1,00,000 से ज्यादा का मार्जिन बीजेपी, 2015 में एक बाई इलेक्शन भी होता है बीच में, कांग्रेस 88,000 का मार्जिन, कांग्रेस की जीत जब भी हो रही है मार्जिन डाउन हो रहा है। 2019 90,000 से ज्यादा का मार्जिन, तकरीबन 1,00,000, हालांकि लोकसभा में इतना वोटर बहुत मायने रखता नहीं है। 2004 कांग्रेस, 2009 बीजेपी, 2015 का उपचुनाव कांग्रेस के खाते में गया, 2019 बीजेपी के खाते में गया, 2024 यह घूमता हुआ सर्किल। इसे ही समझने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। वोटिंग के परसेंटेज आपने देख लिया, रतलाम लोकसभा सीट में किस तरीके के नतीजे रहे। दरअसल ये सीट ऐसी है कि फंसी हुई सीट जिसे आप कहते हैं राजनीतिक भाषा में, वो उन सीटों में से एक ही हो गई है, क्योंकि दोनों ही जो यहां पर वर्सेस में है, आमने सामने है, उन दोनों का जो, उन दोनों की जो फाइट है, उन दोनों का जो राजनीतिक तजुर्बा है, उसने पेंच को फंसा रखा है। अनिता चौहान नागर सिंह चौहान से है, नागर सिंह चौहान की पत्नी है, वो मंत्री है और ये भील समुदाय से आती है, तकरीबन 20% वोट भील समुदाय का। अब कांतिलाल भूरिया आप इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते, आदिवासियों का बड़ा चेहरा, ये भील समुदाय से आते हैं, थोड़ी माफी मैं चाहूंगा, ये भील समुदाय से आते हैं, 80% वोटर इस लोकसभा में। ये भिलाला समुदाय से आती है, ये भिलाला समुदाय से आती है, तकरीबन 20%। लेकिन बीजेपी का जो वोटर को बाहर निकालने का तरीका है, क्या वो जातिगत फैक्टर को तोड़ देगा, ये एक बड़ा सवाल। अगर वो फैक्टर टूटता है तो स्थितियां बीजेपी के पक्ष में जाएंगी, ऐसा एक प्रेडिक्शन आया है। लेकिन और बारीक तरीके से शरद जोशी, प्रदीप जोशी दोनों हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर उनके पास चलेंगे। रतलाम संसदीय सीट का होगा क्या, 4 तारीख को क्या कुछ चौंका देगा आपको, या 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो किस तरह से रहेंगे, ये समझने के लिए शरद सर, रतलाम की हमने पूरी हिस्ट्री बताई है, एक कास्ट फैक्टर भी वहां पर है। जो कांतिलाल भूरिया हैं उनके बेटे विक्रांत भूरिया, अब वो भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और नागर सिंह चौहान वो तो खैर बल्लेबाज बहुत अच्छे रही हैं। शरद सर इसे डिकोड करिएगा, 4 तारीख को आपको लगता क्या है रतलाम को लेकर? ललित जी इसमें क्या है कि उम्मीदवार की दृष्टि से देखा जाए तो कांतिलाल भूरिया बहुत भारी पड़ते हैं, और चूंकि यह सीट भाजपा के लिए थोड़ी संघर्ष वाली है, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री यादव जी ने पूरी ताकत यहां लगाई, और अंतिम दिन चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्य दोनों ने ही रतलाम को अपना रण क्षेत्र बनाया था, और वातावरण बदलने का और पूरा कोशिश की थी कि भाजपा के पक्ष में माहौल बने, लेकिन जितना भीड़ जुटना चाहिए थी उतनी जुट नहीं पाए। महारैली यहाँ निकली जनसंपर्क, वहाँ जनसंपर्क रैली मुख्यमंत्री जी की निकली, उन्होंने पूरा प्रयास किया कि अधिक से अधिक लोग जुड़ना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन मुश्किल से 250 से 400 लोग इस महाजनसंपर्क रैली में आए। वातावरण बनाने का काफी प्रयास किया रतलाम शहर में, क्योंकि रतलाम शहर ऐसी सीट है जहाँ से भाजपा को उम्मीद है कि यदि रतलाम ग्रामीण और रतलाम शहर से लीड मिलती है तो भाजपा प्लस में जा सकती है, क्योंकि रतलाम जिले की सबसे जो सैलाना विधानसभा क्षेत्र, यहाँ 84.37% मतदान हुआ है, ठीक, पूरे संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतदान सैलाना में हुआ है। हाँ। उसके बाद रतलाम ग्रामीण में 79% हुआ है, और तीसरा नंबर आता है पेटलावत का, जहाँ पर अभी वो दिलीप सिंह भूरिया की सुपुत्री निर्मला भूरिया मंत्री है। हाँ।
और जैसा कि कहा गया था कि अभी आपने उम्मीद ये है कि अगर ये जो अर्बन वोटर है और खासतौर पर रतलाम का जो वोटर है, अगर ये बीजेपी के पाले में आ गया तो फिर कुछ बात बनती नजर आ रही। सर वक्त कम है, प्रदीप सर के पास भी जाना होगा। प्रदीप जोशी सर, रतलाम। ललित जी, रतलाम वोटिंग के बाद में ये चीज एक समझ में आ गई है कि कांतिलाल भूरिया राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी थे, और जिस दिन चुनाव कैंपेन शुरू हुआ था तभी थानला विधायक वीर सिंह भूरिया ने एक कास्टिज्म के ऊपर एक कटाक्ष किया था और सीधे सीधे नागर सिंह चौहान जी के जो पुराने आपराधिक केसेस हैं और उनके उनको उल्लेखित किया था, पुराना इतिहास। हाँ। उन्होंने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान था वो जो बहुत तेजी से वायरल हुआ। हाँ। उस दिन समझ में आ गया था कि ये चुनाव जो है वो जातिगत आधार पर बटेंगे। दूसरा, जब मतदान हुआ तो सेलाना और रतलाम ग्रामीण ये दो में सर्वाधिक मतदान हुआ है, ये भूरिया के प्रभाव वाले क्षेत्र भी माने जाते हैं। झाबुआ में भी अच्छा मतदान हुआ है। दूसरा, नागर सिंह चौहान की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो जहां के मूल वो है अलीराजपुर में और जोबट में, यहां मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। तो अब वो तो फैसला आने के बाद में पता चलेगा, पर जिस वोटिंग ट्रेंड जो है वो कुछ नतीजे अंदेशा दे रहे हैं कि चौंकाने वाले परिणाम भी आ सकते हैं। और इस बात को लेकर शरद जोशी सर बहुत मुस्कुरा भी रहे। खैर, मेरे पास वक्त की कमी है, सवाल बहुत सारे हैं पर वक्त की कमी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये रतलाम को हमने बहुत बारीक तरीके से डिकोड किया। शुरुआत हमने कहां से की थी? वाराणसी से, और रतलाम तक हम पहुंचे हैं। इसी तरह से हर सीट की हिस्ट्री आपको बताएंगे, ट्रेंड्स आपको बताएंगे, समझाएंगे। आपका समझना बहुत जरूरी है। अब 4 तारीख को जब हम चर्चा कर रहे होंगे सबसे बड़े नेटवर्क पर सबसे बड़ी कवरेज के दौरान, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी।